देखो गाइस मुझे मार रही है ये। और मैंने तेरे से कुछ कहा था, कुछ बना के रखियो। क्या बनाया तूने पहले ये बता, जल्दी बता। हाँ मैंने, हाँ आपने क्या बनाया? सोना बहुत तेज भूख लग रही है, मैं पूरे रास्ते भूखा आया हूँ यार। पूछ रहे हो क्या? वो यार क्या बनाया जल्दी बता। मैंने कुछ बनाया है नहीं। यार ये बहुत बहुत गलत बात है, क्या प्रैंक कर रही थी मेरे साथ? तुम मेरे साथ प्रैंक कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ प्रैंक नहीं कर सकता। देखो यार ऐसे होता है जब इंसान पुराना हो जाता है यार, प्लीज बना दे प्लीज। नो यार मत करो ना, खुद बना लो, मतलब बाहर से ले आओ, मैं नहीं ला रही। सोना प्लीज, नो प्लीज, नो एंड ओ नो। सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय व्लॉग चैनल। कैसे हो यार? आई होप आप सब बढ़िया हो और मैं ही बहुत बढ़िया हूँ। तो गाइस कल इसी टी शर्ट में सो गया था और इसी टी शर्ट में उठा हूँ भाई, चेंज भी नहीं करी थी। तो अभी सबसे पहले उठ के तो मुझे जाना है भाई सलोन, और भाई बियर्ड वगैरह बनवा लेता हूँ, बड़ी हो गई है। कल का व्लॉग आपने देखा ही होगा, एक रैंडम प्लान कैसे बना भाई, देहरादून गए और सुबह गए और रात में ही आ गए, तो आना ही था क्योंकि भाई यहाँ भी काम थे। तो चलो गाइस फिलहाल चलते हैं सलोन और बियर्ड वगैरह सेट कराता हूँ, उसके बाद और भी सारे काम है वो आगे आपको बता दूंगा। और अभी मैं जा रहा हूँ स्कूटी से यार, क्योंकि गाड़ी से जाऊंगा तो रामनगर में थोड़ा सा ट्रैफिक होता है और गाड़ी खड़ी करने की जगह वहां होती नहीं है, तो गाड़ी ले जाना बेकार है, तो पापा की स्कूटी ले जाऊंगा आज। Entombed in my mind, can't seem to break away. Lost in time, thinking about better days. Do you ever get used to the pain? Cause I don't know if I can do this again. Now you got me wondering why you let me die alone inside. तो गाइस सलोन से तो मैं आ गया और देखो भाई छोटी छोटी बियर्ड करा ली मैंने, सही लगता है भाई ऐसे, मतलब बड़ी बड़ी बियर्ड में ना बीमार से लगते हैं, तो अब करा ली छोटी बियर्ड। अब भाई जल्दी से अब नहाऊंगा, पहले तो सुबह से नहाया नहीं हूँ। और ये टी शर्ट तो मेरी इतनी फेवरेट हो रखी है ना, मेरा उतारने का दिल ही नहीं कर रहा है, बट उतारनी तो पड़ेगी यार। चलो गाइस नहा लेता हूँ, फिर इसके आएगा प्लान बताता हूँ फिर क्या अगला प्लान। तो गाइस अब जाके मैं घर से निकला हूँ यार, भाई शाम से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया और इतनी भागम भाग में हूँ ना, सबसे ज्यादा तो मेरा टाइम लग गया सलोन, क्योंकि सलोन में भाई वेट करना पड़ा, थोड़ी भीड़ थी इस करके। उसके बाद भाई अंधेरा हो गया, हालांकि मेरे को आज बहुत सारे काम करने थे, गाड़ी का काम करवाना था, लेफ्ट डोर मतलब नहीं ओपन हो रहा है वो ठीक कराना था, पीछे की लाइट ठीक करानी थी, तो कार मार्केट भी जाना था, वहां भी नहीं जा पाया। तो अब नहा धो के मैं निकला हूँ और सोचो मैं कहाँ जा रहा हूँ, शोना से मिलने गाइस। और क्योंकि शोना से मैं दो तीन दिन से नहीं मिला हूँ, वो भी बिजी थी और मैं भी बिजी था, तो अब सोचा कि आज शोना ने कहा, फिर भैया का भी कॉल आया कि आज सैटरडे है तो आ जाओ मिलते हैं, फिर शोना ने बोला कि वो बिजी है एक दो दिन, तो मैं कहा चलो यार आज मिल लेते हैं, फिर एक दो दिन बाद तो मैं गुड़गांव चला जाऊंगा। तो गाइस लगा लो अब जाके मैं निकला हूँ और शोना मुझे कॉल पे कॉल कर रही है, कब आओगे, मैं कहा भाई आ रहा हूँ। तो चलो अब चलते हैं गाइस शोना से मिलते हैं, बाकी गाड़ी में सीएनजी भी डलवानी है भाई, मैशअप हो रखा है सब कुछ शाम से गाइस, क्या ही करूं। तो चलो यार अभी निकला हूं, पहुंचता हूं, 20-25 मिनट लगेंगे पहुंचने में शोना के पास। तो भाई ये रहा सीएनजी पंप, बस दो गाड़ियां आगे लगी हुई है फिर अपना नंबर आ जाएगा। तो गाइस अब जाके भाई सीएनजी पंप मिला है, रास्ते में दो तीन पंप मिले थे बट भाई इतनी भीड़ थी ना, मैं कहा भाई लाइन में लगना बेकार है, टाइम वेस्ट करने वाली बात है, अब जाके पंप मिला, बस एक गाड़ी आगे लगी है, दो है बस, हाँ दो गाड़ी लगी है, फिर सीएनजी डलवा लेता हूँ। तो गाइस डल रही है भाई अपनी संतरा में सीएनजी, वो देखो भाई सीएनजी डल रही है, और मैंने सोचा था कि आज वॉश कराऊंगा, टाइम नहीं मिला यार, तो उसको कल वॉश कराएंगे गाइस, ठीक है। तो चलो भाई पहुंच गया हूँ शोना के घर पे और चलते हैं, और बहुत तेज ना मुझे भूख लग रही है, और उसको मैंने बोला है मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट सा बना ले यार, मुझे भूख लग रही है, तो देखते हैं क्या बनाया होगा। तो चलो गाइस चलते हैं और मिलते हैं शोना से। तो गाइस पहुंच तो गया हूं मैं शोना के पास, पर यार पूरे रास्ते ऐसे भाग भाग के आया हूं, आपको भी पता है देखो। और जब मैं यहाँ पहुंचा, और मैंने इसको इतनी देर से बोल रखा था कि भाई भूख लग रही कुछ बना के रखियो, और अभी मैं यहाँ पे इतनी देर से इसको बोल रहा हूँ शोना ले आ कुछ खाने के लिए, लिया बस ये बोल रही है पांच मिनट रुको ला रही हूँ। भाई मुझे नहीं पता इसने क्या बना रखा है, ऐसा लग रहा है मेरा आज पागल बना रही है शोना अच्छे से, मतलब यार कोई यार कदर ही नहीं है यार। देखो गाइस मुझे मार रही है ये शोना, कितनी गलत बात है ना, मैं तेरे से मिलने आया तू मुझे मारेगी। और मैंने तेरे से कुछ कहा था, कुछ बना के रखियो, क्या बनाया तूने पहले ये बता, जल्दी बता। हाँ मैंने, हाँ आपने क्या बनाया? सोना बहुत तेज भूख लग रही है, मैं पूरे रास्ते भूखा आया हूँ यार। पूछ रहे हो क्या? वो यार क्या बनाया जल्दी बता। मैंने कुछ बनाया है नहीं। अबे यार ये बहुत बहुत गलत बात है, क्या प्रैंक कर रही थी मेरे साथ? तुम मेरे साथ प्रैंक कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ प्रैंक नहीं कर सकती यार। ये दही दही खाऊंगा मैं, और कुछ है नहीं यार। ऐसे मत कर, कुछ अच्छा सा बना दे, तुझे तो इतना कुछ आता है बनाना। मैं थकी हुई हूँ प्लीज, तो बहुत अच्छी है ना प्लीज। तुम्हारे साथ अब तुम्हारा प्रैंक हो चुका है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाया, किचन में जाके देख।
ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे ही है, ये ऐसे खा रहे ना, ये ऐसे कच्चे इसे रायता बना, नहीं नो रायता, ऐसे खाओ खाली दे। यार देखियो जैगो भाई, जैगो तू ही कुछ बोल सोना को, कुछ दे देगी मेरे को खाने के लिए। सोना प्लीज, मतलब तू खुश थी यार मित्र से मिलने आया एक तो दो तीन दिन बाद। थैंक यू, क्या करे यार, पेट भर दे खाली, मेरा पेट भर दे प्लीज सोना, भूख लग रही है बहुत तेज। प्रैंक मत कर, कुछ अच्छा सा बना, अच्छा सा सैंडविच जो तू बनाती है प्लीज प्लीज। कुछ भी, अच्छा पिज्जा बना दे फिर, पिज्जा तो बना दे। और क्या, गाइस देख लो ये दिन पे दिन कैसे होती जा रही है। देखो यार ऐसी होता है जब इंसान पुराना हो जाता है यार, प्लीज बना दे प्लीज। नो यार मत करो ना, खुद बना लो, मतलब बाहर से ले आओ, मैं नहीं ला रही। सोना प्लीज, नो प्लीज, नो एंड ओ नो। देखा आपने गाइस कितना गलत कर रही है मेरे साथ पूरे रास्ते, भाई तुम्हारा भाई भूखा आया है देख रहे हो, और अभी भी कितने नखरे कर रही है, कुछ बना नहीं रही है खाने के लिए, पर मुझे पता है थोड़ी देर बाद कुछ तो लाके दे। इतना तो आई नो हर, देखते हैं क्या लाएगी। मुझे पता भी किचन में गई है, खटर पटर आवाज आ रही है बर्तनों की, कुछ तो बना के लाएगी, बाकी देखते हैं क्या बना के लाएगी। चलो गाइस अभी नेहा दीदी जीजू वगैरह भी आ रहे हैं और उनसे भी मिलते हैं, भैया भाभी भी आने वाले हैं, कहीं गए हुए वो बाहर, सबसे मिलेंगे अभी। और आज फिलहाल कहीं बाहर जाने का सीन है नहीं, घर पे ही है, तो सैटरडे है आज, फिर कल सबकी छुट्टी है, तो इसलिए आज सबने सोचा कि थोड़ा सा मीटअप कर लेते हैं, मिल लेते हैं। तो अभी सब लोग आ रहे हैं, फिर सबसे मिलके बैठ के बातें शाते करके बढ़िया सा डिनर करेंगे और फिर मैं घर निकल जाऊंगा, क्योंकि कल मेरे को अर्जेंट काम है, एक जगह जाना भी है, वो काम भी करना है और गाड़ी का भी काम करवाना है यार। गाइस मैंने कहा था ना शोना कुछ बढ़िया सा बना रही होगी, तो भाई अभी मेरे को पता चला भाई, पता है क्या बना रही है। खैर इतनी देर तक तो पागल बना रही थी, बट अभी जब मैं किचन में गया तो भाई शोना बना रही है दाल मखनी, सच बता रहा हूं। तो मैंने कहा था कुछ ना कुछ तो बना ही होगी। बाकी गाइस काफी थकावट हो रही है यार आज, क्योंकि शाम से ही भाग रहा हूं, आप लोगों ने देखा ही है व्लॉग में। और भाई सच बताऊं बाहर बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है गाइस, हद से ज्यादा। वही फालतू में तो बिल्कुल मत निकलो, निकलना है तो काम से निकलो वरना निकलो ही मत। तो चलो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। बाकी यार बताना कि गाड़ी में क्या, मतलब क्या करा सकता हूँ। वैसे तो मुझे हेडलाइट चेंज करानी है, क्योंकि क्या हो कि हेडलाइट ना बहुत ज्यादा लो हो रखी है, मतलब विजिबिलिटी ना इतनी कम हो रखी है, मैं क्या ही बताऊँ। हाईवे पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी जब हम लोग आ रहे थे देहरादून से, तो लाइट चेंज करानी है। तो वैसे तो मैं चाह रहा हूँ कि उसमें प्रोजेक्टर लाइट लग जाए, बट मैंने पता करी प्रोजेक्टर लाइट तो कंपनी वाले तो मना कर रहे हैं कि कंपनी से नहीं मिलेगी, तो वो आफ्टर मार्केट ही लगवानी पड़ेगी। तो बाकी कोई आप लोगों को पता है कि कोई बढ़िया सी लाइट कहाँ मिल सकती है? वैसे मेरे को किसी ने बताया कि दिल्ली में मायापुरी में मतलब अच्छा ऑप्शन है वहाँ पे गाड़ियों के सामान का, करोल बाग में तो फिर भी एक्सपेंसिव पड़ता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कल मायापुरी जाऊँ और देखूँ वहाँ पे अगर हेडलाइट वगैरह मिल जाती है तो फिर टियागो का लेफ्ट डोर भी खराब हो रहा है जैसे मैंने आपको बताया था, तो वो भी ठीक करवाना है। दो चार काम है यार, बाकी तो गाड़ी पूरी अपनी फिट है और कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इंजन बढ़िया होना चाहिए, इंजन एकदम चीते की तरह भागता है। तो चलो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी शोना अभी किचन में वही बना रही है दाल मखनी, और उसको पता है मुझे पराठे बहुत पसंद है, तो आज भाई दाल मखनी और पराठा अपने डिनर होने वाला है। और सबको टाटा बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। गाइस पूरा व्लॉग देखा हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। लव यू ऑल, सब्सक्राइब कर दो बस और लाइक कर दो, बस ऐसे ही प्यार दे रहे हो जैसे आप लोग दे रहे हो। बाय 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 बाय। देखो गाइस मुझे मार रही है ये। और मैंने तुझे कुछ कहा था कुछ बना के रखियो, क्या बनाया तूने पहले ये बता, जल्दी बता। हाँ मैंने, हाँ आपने क्या बनाया? सोना बहुत तेज भूख लग रही है, मैं पूरे रास्ते भूखा आया हूँ यार। वो यार क्या बनाया जल्दी बता। अबे यार यार ये बहुत बहुत गलत बात है, क्या प्रैंक कर रही थी मेरे साथ? देखो यार ऐसी होता है जब इंसान पुराना हो जाता है यार, प्लीज बना दे प्लीज। यार मत करो ना, खुद बना लो, मतलब बाहर से ले आओ, मैं नहीं ला रही। सोना प्लीज।